हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा स्थिति क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल साइंस से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और आज जो आपको टारगेट दिया जा रहा है साइंस में, मात्र में आपको 15 क्वेश्चन सही करने का टारगेट है। मतलब कि 25 क्वेश्चन में मात्र 15 क्वेश्चन सही करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत सारा आपको क्लास दिया गया है बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल। तो चलिए देखते हैं कितनी तैयारी करके रखे हुए आप सभी, पता चल जाएगा आज के इस क्लास में। तो चलिए, ये आपको एक टारगेट दिया जा रहा है जो कि आपको अचीव करना है किसी भी हालत में। मान लीजिए कि आज मेरा पेपर है और पेपर में ये 25 क्वेश्चन पूछा गया और हमें 15 क्वेश्चन को बनाना है, टच करना है किसी भी हालत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, इतने समय में अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आप सभी को बार बार बताते हैं, जो क्वेश्चन आपको बता रहे वो क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में लिखने का कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाते तो आप एक कॉपी में नोट डाउन जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है, जो क्वेश्चन आप लिख लेते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है। तो हर क्वेश्चन को आपसे सीक्वेंस में लिखने का कोशिश कीजिए आप सभी। चलिए बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है फ्रेंड। तो देखिए, हम सभी कह सकते हैं परावर्तन, अपवर्तन, परिकीर्णन, ये तीनों होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, आप सभी नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बन रहे हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्व शून्य हो जाता है तो डैश होगा। चलिए फ्रेंड बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्व अगर शून्य हो जाता है तो क्या होगा। तो हम सभी कह सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण रहेगा ही नहीं तो कोई चीज रहने का मतलब ही नहीं बनता है, वो क्या होगा, हवा में उड़ने लगेगा। अभी जो हम पृथ्वी पे हैं वो किस कारण से है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायर भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे, हवाई जहाज के टायर में जो गैस भरे जाते हैं वो कौन से गैस भरे जाते हैं। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ए करेक्ट आंसर है। दांत के इनेमल निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक से बने होते हैं फ्रेंड। डी राइट आंसर है, कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इबोला किस प्रकार का रोग है। फ्रेंड देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सभी हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा, इबोला किस प्रकार का रोग है फ्रेंड। सी राइट आंसर है, विषाणु जनित रोग है इबोला, याद रखेंगे आप सभी। इबोला क्या है, यह एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है, किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है फ्रेंड। चलिए बताएंगे, इनमें से किण्वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। तो गलत है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये गलत है। सही क्या है, किण्वन एक जैव रासायनिक गतिविधि है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक में विघटित किया जाता है, इसका उपयोग रोटी और बिस्किट बनाने में किया जाता है। तो ये सभी किण्वन के संदर्भ में क्या है, सही है, गलत है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध में मौजूद होता है फ्रेंड। बी राइट आंसर है, दुग्ध अम्ल पाया जाता है। देखिए, ऑप्शन में दुग्ध अम्ल दिए हुए तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है, अन्यथा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कहा जाता है। मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है मानव शरीर का। तो हम सभी कह सकते हैं गुर्दे और मूत्राशय हैं, मुख्य उत्सर्जन अंग है मनुष्य का, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग जो है वो गुर्दे और मूत्राशय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव में श्वसन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है फ्रेंड।
मानव के श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा अंग जो है वो भाग नहीं लेता है? तो नहीं लेता है लीवर, सी राइट आंसर है, जबकि फेफड़ा, डायाफ्राम और ग्रीसिन ये सभी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर से हर दिन मूत्र के रूप में उत्सर्जित पानी की मात्रा डैश होती है, तो 5 से 2 लीटर के बीच में होती है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंढक प्राणी समूह के किस वर्ग से संबंधित है? तो यह संबंधित है अभयचर से, अभयचर प्राणी के वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है फ्रेंड? अगर आप ऑप्शन में बी को टिक करें तो आंसर को मैच कर लीजिएगा, महाशिरा। फ्रेंड महाशिरा जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा होता है या बड़ी सिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पुरुष सेक्स हार्मोन है? ए राइट आंसर है, टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से किसका उपयोग ऊष्मा विकिरण को मापने में किया जाता है? डी राइट आंसर है, तेज मापी का प्रयोग करते हैं ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में एसिडिटी डैश के सेवन से ठीक हो सकती है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, किसके सेवन से ठीक हो सकती है एसिडिटी? ए राइट आंसर है, बेकिंग सोडा के घोल से ठीक हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बेकिंग सोडा के घोल का सेवन करने के बाद एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर डैश को डैश में परिवर्तित करता है फ्रेंड? तो यह परिवर्तित करता है उस धारा पर कम वोल्टेज, कम धारा पर उच्च वोल्टेज में, डी राइट आंसर है। क्वेश्चन को समझ जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर डैश को डैश में परिवर्तित करता है, मतलब कि एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर उच्च धारा पर कम वोल्टेज और कम धारा पर उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, हड्डियां कमजोर और भंगुर होने की स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड? ए राइट आंसर है, अस्थि सुश्रीता कहा जाता है, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं इसे, अस्थि सुश्रीता कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरने वाली गैस डैश होती है फ्रेंड? आमतौर पर बिजली के बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आर्गन गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट निम्नलिखित में से किसका परिणाम है फ्रेंड? बी राइट आंसर है, चूना पत्थर और मिट्टी का परिणाम है सीमेंट, बी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन की जरिए याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्वपोषी का उदाहरण है? चलिए फटाक से आंसर करेंगे आप सभी, निम्न में से क्या स्वपोषी का उदाहरण है फ्रेंड? बी राइट आंसर है, हरे पौधे हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जानवर जो संकट में हैं और जिन्हें संरक्षण के लिए एक विशेष देखभाल इकाई में रखा जाता है डैश को कहा जाता है फ्रेंड? अगला क्वेश्चन है, जानवर जो संकट में एक और जिन्हें संरक्षण के लिए एक विशेष देखभाल इकाई में रखा जाता है डैश को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो देखिए इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, अब स्थानीय संरक्षण कहते हैं इसे, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया फ्रेंड? डी राइट आंसर है, विलियम एस गोड के द्वारा किया गया था हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग।
डी राइट आंसर है विलियम एस गोल्ड के द्वारा सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड, पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे वृक्ष संवर्धन कहा जाता है, याद रखिएगा। पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड, मोर का वैज्ञानिक नाम चलिए फटाक से बताएंगे, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। डी राइट आंसर है पाबो क्रिस्टाटस है मोर का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बेरी बेरी निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए स्पेशल साइंस का, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल ये साइंस का क्लास था। तो चलिए अगर आज का क्लास अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आप सभी एक बार युवा शक्ति जीके को सर्च करके फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि वहाँ जल्द ही इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड होने वाला है बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल। तो आप सभी युवा शक्ति जीके को सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फेसबुक पेज को, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अपने ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जय हिंद।